धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया के कुछ पत्रकारों का वो मंजर, वो दृश्य है, वो रूप आपके सामने रखने जा रहा हूं जो पिछले 4.5 साल से आप देख रहे होंगे। रोजाना टीवी डिबेट में एक एंकर नाम का पत्रकार बैठ जाता है और उसके बाद पैनलिस्ट बैठ जाते हैं। कोई RSS विचारक होता है, कोई VHP का विचारक होता है, कोई ABVP का होता है, कोई भाजपा का होता है, कोई सपा, कोई कांग्रेस और कोई समाजवादी पार्टी का होता है। ये सब लोग बैठ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो एंकर है वो BJP, VHP, विश्व हिंदू परिषद जितने भी हैं उन सबके साथ, RSS विचारक उनके साथ मिलके चार लोगों का तो जमावड़ा ये बन जाता है। आगे बसता है विपक्ष का कोई एक दो आदमी, कांग्रेस वाला, BSP वाला, BJP वाला, वो अपना घिर जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। रोज इनका यही नंगा नाच वहां चलता है जिसे कहते हैं टीवी डिबेट हम करा रहे हैं। कहां का टीवी डिबेट करा रहे हैं? अगर आपको देखना है तो अमेरिका के टीवी डिबेट देखिए, वहां पे तो ऐसा नंगा नाच नहीं होता। वहां के भी चैनल इतने सारे लोगों को कभी लेके नहीं बैठते, एक से दो लोगों को लेके बैठते हैं, उनसे बात करते हैं किसी मुद्दे पे और जनता को कुछ चीज समझ आती है। लेकिन इन्हें सिर्फ चिल्लाना आता है, इन्हें सिर्फ वहां पे हल्ला मचाना आता है और अपनी भोपूगिरी दिखानी आती है। मैं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर कुछ खबरें आपके सामने लगातार रखने जा रहा हूं। ये पहला पार्ट आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सारे एंगल से अलग अलग खबर रखूंगा। उस खबर पे बहुत बातें होने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया बात कर रहा है उस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसे अपने धंधे चलाने हैं तो वो इसी तरीके से बात करेगा। मैं आपके सामने इस मीडिया के उन पत्रकारों का वो अंदाज रखने जा रहा हूं, वो देखिएगा। पहला मामला आपके सामने रख रहा हूं जी न्यूज चैनल का। जी न्यूज चैनल का शाम को एक प्राइम टाइम शो होता है जिसे ताल ठोके कहा जाता है। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हो रहा था उस दिन और वो चल रहा था नर्मदा नदी के किनारे। अब वहां के जो एंकर हैं उनका अंदाज देख लीजिए, उनका अंदाज जो है वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में नापाक गठबंधन पर सत्य की, समझिएगा, सत्य की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। उनकी जबानी सुन लीजिए। क्या जम्मू कश्मीर में नापाक गठबंधन पर सत्य की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है क्या? तो आपने इनका अंदाज सुन लिया। वैसे तो हर मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन इनसे ये पूछा जाए नापाक गठबंधन, पाक गठबंधन क्या होता है, मतलब जहां भाजपा गठबंधन करेगी वही गठबंधन पाक होगा, उसके अलावा सब नापाक गठबंधन होंगे? तो इनका ये अंदाज है और हर चीज में ये इसी तरीके से करते हैं। इसी चैनल का दूसरा हाल आपके सामने रख रहा हूं। इनका प्रोग्राम है DNA, रात को 9 बजे आता है, उसमें देख लीजिए किस तरीके की बात कर रहे हैं। राजनीति की दुनिया में कम नंबर पाने वाला भी टॉपर बन सकता है, बेशर्मी बेगरती देख लीजिए इन्हीं के अंदाज में। राजनीति की दुनिया में कई बार जिसके कम नंबर आते हैं वो भी टॉपर बन जाता है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में भी हो रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब सवाल यहाँ ये है कि साहब, अगर इनके कम नंबर होने पे आप कह रहे हो कि राजनीति की दुनिया में कम नंबर पाने वाला टॉपर बन सकता है, तो फिर आप बात करके दिखाइए ना जी गोवा में। गोवा में BJP तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो कम नंबर पाने के बाद भी सत्ता में कैसे बैठ गई है? वो नागालैंड के अंदर कैसे सत्ता में बैठ गई है? वो मणिपुर के अंदर कैसे सत्ता में बैठ गई है? बिहार के अंदर कैसे सत्ता में बैठ गई है? बोल के दिखाइए ना। लेकिन उस वक्त इनकी जबान पर ताले पड़ जाएंगे, क्योंकि इनका धंधा इसी से चल रहा है। तीसरा अंदाज आपके सामने रख रहा हूं आज तक चैनल का, वो देख लीजिए। इसमें श्वेता जो पत्रकार हैं वो प्रोग्राम कर रही हैं, उनका बड़ा दुख हो रहा है, उनके चेहरे से दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज से उनका दिख रहा है, आप देख के सोच समझ लेंगे खुद ही। अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती परिवार की PDP यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता के लिए एक साथ आ गए हैं, इनके अंदाज देख लीजिए। कभी अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती परिवार की PDP सरकार बनाने के लिए एक साथ आ सकती है, लेकिन ये सब इतना नाटकीय हुआ और इतनी नाटकीय तेजी के साथ हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर कश्मीर की इस राजनीति के पीछे असल में कौन सा खेल चल रहा है। यह सवाल यह पैदा होता है कि इनके साथ आने पर इनको इतना दुख तकलीफ क्यों हो रहा है? क्या ये कोई गैर लोकतांत्रिक काम कर रहे थे? क्या गैर संवैधानिक काम कर रहे थे? हमेशा बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां सत्ता में रही हैं। आप वो 90 का दौर याद करिए, जब VP सिंह की सरकार बनी देश के अंदर, तो राइट विंग भी सपोर्ट दे रहा था और लेफ्ट विंग भी सपोर्ट दे रहा था, यानी कि वामदल भी सपोर्ट दे रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टियां भी सपोर्ट कर रही थी VP सिंह को, और ये राइट विंग की पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, तो उसे क्या कहेंगे? लेकिन वहां इनको बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। चौथा अंदाज आपके सामने रख देता हूं, News18 India का। आप जानते ही हैं मुकेश अंबानी का चैनल है, वो शाम को एक पत्रकार आता है साहब, उस पर बड़ा चिल्ला चिल्ला के बात करता है, ऐसे बोलता है 10 सेकंड में जवाब दो, 10 सेकंड में जवाब दो। अरे 10 सेकंड में जवाब नहीं देंगे तो कनपटी पे गोली मार देगा क्या भाई? तमंचा लिए हर वक्त खड़ा है कि 10 सेकंड में सब कुछ तुम्हारे पास है जो निकाल दो, नहीं तो है? तो उसका अंदाज देख लीजिए, वो कैसे कह रहा है। उसका अंदाज भी, सभी दलों ने अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है और मोदी को हराने के लिए
मोदी को रोकने के लिए एक साथ आ गए हैं तमाम मतभेद भुलाकर। अब इनका अंदाज खुद देखिए, तमाम दल आज एक साथ मिलकर मोदी के खिलाफ टाल ठोक रहे हैं और ये नजारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक साफ दिख रहा है। लेकिन कश्मीर में जो कुछ हुआ वो कोई छोटी घटना नहीं है। वहाँ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी एक दूसरे की दुश्मन नंबर वन है। अब इनके बारे में ज्यादा क्या कहूँ, आपने खुद ही सुन लिया। इन्हें हर चीज में अपनी मोदी भक्ति ही दिखानी है, भाजपा भक्ति ही दिखानी है, क्योंकि इनका काम ऐसे चले, पत्रकार नहीं है। 2010 के बाद जो ये पत्रकार जीतने आपको चिल्लाते चिल्लाते दिखाई देते हैं ना चैनल, इनका कभी कोई इतिहास नहीं लिखा जाएगा। ये पत्रकारिता के जमरे में कभी नहीं आएंगे। पत्रकारिता के जमरे में रजत शर्मा को लाया जा सकता है, उन्होंने देश को कुछ दिया है, वो आज की अदालत लगा के बैठते हैं, उन्होंने कुछ खगाला लाया। लेकिन जो ये चिल्लाते हैं ना, इन्हें शाम को सिर्फ काम दे रखा क्या हो एक घंटे और चिल्लाओ खूब, इनका कहीं कोई इतिहास नहीं लिखा जाएगा। पांचवा अंदाज वो भी इसी चैनल का, न्यूज 18 इंडिया का, इनका एक प्रोग्राम होता है हम तो पूछेंगे, उसका आपके सामने रख देता हूं। भारत अजूबों का देश है साहब, क्या वाह गजब, भारत अजूबों का देश है और यहां फैक्स मशीन खराब होने पर जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। इनका कहना है यहां सरहद पार से मिले आदेश के बाद सरकार बनाई जाती है। इनकी जबानी सुन लीजिए। अपने देश को यूं ही अजूबों का देश नहीं कहा जाता। यहाँ फैक्स मशीन खराब होने से जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। यहाँ विरोधियों की एकता सरहद पार के इशारे पर हो सकती है। यहाँ सत्ता के लालची देश हित और लोकतंत्र की दुहाई देकर तीन दिल और एक जान हो सकते हैं। अब सवाल ये है, किसी जांच एजेंसी की तो जरूरत नहीं है। आज के पत्रकार हैं और किन मालिकान के पत्रकार हैं आप देख और समझ सकते हैं इनके अंदाज को। तो इन्हें डर तो किसी का है नहीं, सत्ता का साथ है, पैसे वाले का साथ है। इसके अलावा सब लोग जाएं भाड़ में, इन्हें अपनी भोंपूगिरी करने में मजा आता है, मजा लेते रहेंगे और आप लोगों को ये दिखाते रहेंगे। और आप लोग इनको नंबर वन नंबर टू रोजाना बताते हैं, हमें इतने लाख, हमारा इतना बड़ा चैनल, वो सब दिखाते हैं, जूम जूम करके सारे टाइम चलाते हैं। तो ये इनका एक अंदाज था कि इनमें किस कदर मायूसी सी छा गई, किस कदर इन्हें गुस्सा आ गया कि विपक्ष की पार्टी सरकार बना लेंगी। बहुत सारी खबरें आपके सामने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे रखने वाला हूं, जो वहां घटा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। ये खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट आपको ये होगा कि यूट्यूब पर हमारी खबरें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस भी वक्त आप ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आपको हमारी खबरें मिल जाएंगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।